एक लड़की ने मुझे बताया कि जी मैं इस तरह मेरे साथ मेरे प्रोफेसर ने ज्यादा की है इंग्लिश के, जब तक वाइस चांसलर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक को वहां पे पुठिया पागल इतर नहीं मारेंगे ना, हकायक सामने नहीं आएंगे। मियाँ साहब मेरे पास एक दो वीडियोज आई हैं कि सरकारी नंबर की गाड़ियाँ वो लड़कियों को कहीं छोड़ने जा रहे हैं, आगे से बंदे आ रहे हैं, वो एक दो लड़के लेके जा रहे हैं लड़कियों को, बर्थडे या दोस्त की वहाँ पे हम इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ पे उनको ड्रग्स दे दी, ड्रग्स दे के जब वो अपने होश में नहीं है प्रॉपरली उनके साथ वीडियोस बना ली, उनकी न्यूड तस्वीर बना ली, बाद में वो दिखा के उनको ब्लैकमेल किया। सबसे ज़्यादा ये हुआ, तुम्हारा एक ग्रेड आ जाएगा, ये वो सारे हैं जिन्होंने पेपर बनाना होता है, ये वो सारे जिन्होंने पेपर, एक तो ये है। इस FIR के ऊपर ना किसी को इंसाफ मिलने वाला है, ना किसी को सजा मिलने वाली है। आ जाके वो साना कंजर जो है वो साना कंजर रखा जाएगा जेल में, बाकी जितने भी कंजर हैं वो सारे बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आपसे जो लड़कियों ने रابطہ किया है या जिन्होंने मालूमात दी है, ये तरीका वारदात किस तरह शुरू हुआ, लड़कियों को किस तरह ट्रैप किया जाता था, लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था? ये एक पूरा इनका एक मनज़म जिस तरह कह लें एक ग्रोह था या तरीक़ाकार था। ये ट्रैप किस तरह से करते थे कि कुछ लड़कियाँ क्लास में, नई लड़कियाँ आती हैं उसके साथ उन्होंने दोस्ती बनानी है। अब वो लड़कियाँ भी जो अभी तक 2 से 3 स्टोरीज मेरे पास आई हैं, कुछ लड़कियाँ, उस्ताद का रुतबा क्या है, रूहानी बाप का, बाप का, कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो रूहानी बापों की दलाली करती हैं। अच्छा, कि सर से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स ले दूँगी, सर के साथ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, और मेरे पास कुछ ऐसे शवायद हैं जो जिन्होंने मुझे दिए अभी उनकी अमानत है मेरे पास, बहुत जल्द वो मीडिया के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन तब जब कोई ना कोई कंप्लेन अभी मौजूद हो कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, लेकिन मोस्टली तरीकाकार यही अपनाया गया जो मैंने आपको बताया। और सबसे दुख मुझे पता क्या हुआ है, देखें लड़कियों को ब्लैकमेल करना, ड्रग्स दे के उनकी वीडियो तस्वीर, ये समझ में, वो इसी तरह से एक लड़की ने कहा मैं सर से मिलवाती हूँ, और वो सर के अपने बच्चे को लड़की कहती है मेरे जितने थे। अच्छा, और उस सर ने उस लड़की का एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं कई मरतबा इस्तेहसाल किया है। मियाँ साहब मैंने जो बात की है, जब तक वाइस चांसलर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक को वहाँ पे पुठिया पागल इतर नहीं मारेंगे ना, हकायक सामने नहीं आएंगे। ये जो होम्योपैथिक कमेटियाँ बनाई जा रही हैं ना, डॉक्टर मोहम्मद अली कमेटी बना ले जनाब और फैक्ट फाइंडिंग करके मैं दे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लिहाजा आपके चैनल के और आपके दोस्त हैं जो वज़ीर आला साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनसे मिलें, मीडिया का वफद जाए और उन्हें बोलें कि जनाब कुछ करो इसके ऊपर, JIT की या जुडिशल कमीशन की फौरी तौर पे ज़रूरत है। मैं बस इतने पाकिस्तानी मुतालबा करता हूँ, मियाँ साहब आज अगर हम खामोश हो गए कल को हमारी बहन या बेटी भी होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर नहीं है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर का गंद बाहर आ गया है, उसके दल्ले और कंजर बेनकाब हो गए हैं सान्य कंजर्स के समेत, हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग मौजूद हैं। कम अज़ कम जो अब आपके हाथ में आया, जो पाँव के नीचे बटेरा आया, उसको इबरतनाक अंजाम उसका बनाएंगे तो दूसरी जगहों के ऊपर कोई बचत होगी। अदरवाइज ये लिख लें कि कल को कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्ची को मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ाएगा, और फिर आप देखें आपका मुआशरा कहाँ जाएगा। इस पे कानून क्या कहता है, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा बनती है, क्या एविडेंस होना चाहिए, किस तरह मदई बगैर मुकदमा चलने चाहिए? भैया साहब अभी एक फ्रेश अमेंडमेंट आई है कि जो वीडियो एविडेंस और ऑडियो एविडेंस है वो एडमिसेबल है और उसके ऊपर आपको सज़ा हो सकती है। 5500 वीडियो है, गैरत का मुजाहरा करें, जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन वीडियोस की सिक्योरिटी करें, उसमें से जो विक्टिम है उनको भी निकाल लें, जो जालम है जो बेगैरत है उसको भी निकाल लें, उसमें जो विक्टिम है उनको शामिल तफ्तीश करके जस्ट उनकी स्टेटमेंट्स ले लें, जिस तरह ये मोटरवे वाला वाकया हुआ था, उन सब को पकड़ें, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात, जनाबिल जबर की दफ़ात, ये जो आपके साइबर क्राइम है जो ये वीडियोज़ और तस्वीरें बनाते रहे हैं वो दफ़ात लगाएं, उसके अलावा उसके ऊपर लड़कियों को गलत इस्तेमाल करना और करवाना सहूलत का, ये दफ़ात लगा के उनका ट्रायल किया जाए। क्या सज़ा इसमें आपको लगता है कि कानूनी तौर पे क्या कानून कहता है, क्या सज़ा हो सकती है, और शुहद वो जो हैं वीडियोस वाले वो ही एनफ हैं, उन पे सज़ा हो सकती है? बिल्कुल जी, मोर देन सफिशेंट, मोर देन इनफ हैं वो जो प्रूव, वीडियो प्रूव है,
जस्ट आपने करना क्या है कि आपने एक बकायदा केस बनाना है। यहाँ पे बड़े बड़े केस होते हैं बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन की नलायकी और बदनीति की वजह से लोग बरी हो जाते हैं, बकायदा केस बना के फाइल किए जाते हैं कोर्ट्स में। लेकिन क्या किया जाता है कि जनाब उसमें इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता हकायक के साथ, और वो जब जाते हैं आप अदालत में सुनते होगे आदम शोएब के बना। खुदा रा ये वक्त है, रहम करें हमारे ऊपर, एक प्रॉपर केस बनाएं। मैं हुक्मरानों से कहूंगा यही समझ लो यार, वो आप लोगों की बच्चियां हैं। हुक्मरान कौन कौम का बाप होता है। हजरत उमर ने फरमाया था कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता प्यास से मर जाए तो ब्रोज क़यामत में उमर उसका जवाब दे। तो यहाँ पे जिंदा लोगों को रोज मारा जा रहा है, यहाँ पे बच्चियों की असमत दरिया की जा रही हैं और आपके कानों पे जूनी रींग रही, और आप कोई कह रहा है इनू वजी अला बना दो, इनू वजी अजम बना दो, इनू सदर बना दो। इन चीज़ों से निकल के आओ, अवाम आपको बनाएगी अगर आप डिजर्व करोगे तो, अवाम के लिए कुछ करो। कहते हैं कि इस पे मदई सामने नहीं आ रहा, अब आपसे रब्ता किया है मियाँ साहब, जरूरत ही नहीं होती। क्रिमिनल केसेस में मियाँ साहब आपको ये ऑफेंस कर देंगे ना, लाइक आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं या गोली मार देते हैं, आपका केस अदालत में काल होगा मियाँ आसफ बनाम सरकार। मदई सरकार है, ये हमारे फौजदारी कवानीन है, इसमें अगर कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं भी आती तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की केसेस है वैसे भी मियाँ साहब, इसमें उस तरह से मुदई की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो 5500 वीडियो है वो कहाँ पे लेके जानी है, मैं आपको लीगल पहलू बता रहा हूँ। मैंने आपको रेफरेंस इसीलिए दिया मोटरवे वाले केस का, वो औरत सामने आई है नहीं, आपने अदालत में देखी हो, थाने में देखी हो, मिसाली करदार अदा किया उसने। एक बच्ची थी जिसके साथ जैती जैनब, मासूम बच्ची थी, मर गई, वो बच्ची सामने आई, उस बच्ची ने आगे अपना केस लड़ा। लिहाजा जहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं, जहाँ पे नाकाबले तरदीद शवाहिद मौजूद हो, जहाँ पे मियाँ साहब नाकाबले तरदीद शवाहिद मौजूद हो, मैंने भी सुना है कि जी विक्टिम नहीं आ रही, मुदई नहीं आ रहा, और यार छोड़ दो उनको। आपने जो ऐलान किया है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट ये केस लड़ूंगा, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, उसमें कौन सा वन मदई चाहिए आपको? मियाँ साहब मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे सिर्फ वो बाप चाहिए जिनकी बेटियों को इन हरामजादे कंजरों ने नोचा है, मुझे वो भाई चाहिए जिनकी बहनों की इस्मत दरी हुई है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं तो मैं आपके कैमरा पे कह के जा रहा हूँ, आपको पता है कि जितना दबाव जितना प्रेशर हो मैं उतना एंजॉय करके मैनेज केसेस लड़ता हूँ। एक दफ़ा ये जिन लोगों से मेरी बात हुई है मैंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश तो की है, लेकिन मैं आपके चैनल के रेफरेंस से फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आप सामने नहीं आएंगे तो आप पूरी यूनिवर्सिटी की तमाम बच्चियों को मशकूक कर देंगे। और ये कुछ लोग कह रहे थे कि लड़कियाँ खुद करती करवाती हैं, मैंने ऐसा भी सुना है, मैं लानत है आप लोगों के ऊपर।